नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आरडीएच सर चैनल और मैं राजेश डी हजारे आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल पर। दोस्तों, कौन बनेगा करोड़पति केबीसी सीजन 12 जो है उसका आज 15 मई 2020 को जो है सवाल आ चुका है। यह है इस सीजन का सातवां सवाल और सवाल कुछ इस तरीके से है, विच इज़ द फर्स्ट स्टेट द रिवर ब्रह्मपुत्रा फ्लोज थ्रू ऑन एंटरिंग इंडिया। हिंदी में इस प्रश्न का अनुवाद है, भारत में प्रवेश करते ही ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य से होकर सबसे पहले गुजरती है। दोस्तों, इस प्रश्न के विकल्प है ऑप्शन ए आसाम, हिंदी में असम, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश और ऑप्शन डी नागालैंड। दोस्तों, इस प्रश्न का जो उत्तर है वह हम देने वाली है इस वीडियो में। उसके पहले हम ब्रह्मपुत्र नदी जो है उसका एक विकिपीडिया का पेज हम देख लेते हैं। एक्चुअली आप अगर देखना चाहें तो गूगल मैप पर भी ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में देख सकते हैं। वहाँ पे आपको अगर आप झूम करेंगे तो आपको भारत में किस राज्य से सबसे पहले आती है वो आपको दिख जाएगा, और अगर वहाँ से नहीं दिख रहा है तो हम इस वीडियो में भी आपको वो शो कर रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप पढ़ सकते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी जो है जिसको यारलुंग सांगपो भी कहा जाता है तिब्बत में, तो ये वहीं से निकलती है यह नदी, सियांग या फिर दिहांग रिवर भी इसे कहा जाता है अरुणाचल प्रदेश में, ध्यान दीजिएगा। एंड लुइट और डिलाव कहा जाता है असम में। तो आपको तीन चीज़ों के तो नाम आ गए होंगे यहाँ पे, एक तिब्बत का जो हमारे ऑप्शन में नहीं है जो कि इसका उगम स्थान है मतलब ओरिजिन है, और उसके बाद आपको हमने बताया अरुणाचल प्रदेश जो हमारे विकल्पों में है, और उसके बाद हमने बताया असम। अब कहाँ पे पहले आती है तो आपको किस ऑर्डर में नाम मिल रहे हैं आप वह देखिएगा, और यह नदी जो है उसके बाद में फिर जो है चाइना से होकर इंडिया, इंडिया से होकर बांग्लादेश तक ये पहुँचती है, और ये जो नाइन्थ लार्जेस्ट रिवर है दुनिया में और 15वीं लॉन्गेस्ट है, मतलब सबसे बड़ी 9वीं नदी है और सबसे लंबी 15वीं नदी है। और आपको हम ये भी बता दें कि सबसे बड़ी जो नदी है वह है अमेजन दुनिया में, और सबसे लंबी नदी जो है वह है नाइल, और वह है सबसे लंबी नदी पूरी दुनिया में। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो विद इट्स ओरिजिन इन द मानसरोवर लेक रीजन नियर द माउंट कैलाश लोकेटेड ऑन द नॉर्दर्न साइड ऑफ द हिमालयाज इन बुरंग कंट्री ऑफ तिब्बत, बुरंग काउंटी ऑफ तिब्बत, एज द यारलुंग सांगो रिवर इट फ्लोज अलॉन्ग साउदर्न तिब्बत टू ब्रेक थ्रू द हिमालयाज इन ग्रेट गॉर्जेस इंक्लूडिंग द यारलुंग सांगपो ग्रैंड कैनियन एंड इनटू अरुणाचल प्रदेश इंडिया। तो ये साफ है कि जो तिब्बत है वहाँ से, वहाँ के मानसरोवर लेक जो है वहाँ से उगम इसका होता है, और उसके बाद में भारत में अरुणाचल प्रदेश में ये एंटर करती है मतलब प्रवेश करती है। उसके बाद यह जो नदी है इट फ्लोज साउथ वेस्ट थ्रू द असम वैली एज ब्रह्मपुत्रा एंड साउथ थ्रू बांग्लादेश एज द जमुना। तो यह नदी जो है तिब्बत से निकलती है, असम में, भारत में, असम भारत में अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है। तो हमारा आंसर जो है वो आएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कल भी के प्रश्न का उत्तर था वही है आज के प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी। उसके बाद असम में आती है, और उसके बाद में भारत में मेघालय में आती है, और उसके बाद में बांग्लादेश में एंटर करती है। नागालैंड जो यहाँ पे दिया है नागालैंड साइड में रहता है दोस्तों, नागालैंड में यह नदी जो है वो ट्रैवल नहीं करती, वहाँ पे एंटर नहीं करती। अगर हम और थोड़ा सा आगे जाए तो हमको यह भी देखिएगा, इस अगर पेज में हम थोड़ा सा देखेंगे तो हम देखा थे अब यहाँ पे आगे इस पोस्ट में ये भी, इस आर्टिकल में ये भी लिखा है कि आफ्टर पासिंग पाई मतलब पी इन तिब्बत द रिवर टर्न्स सडनली टू द नॉर्थ मतलब उत्तर में जाती है एंड नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व की ओर जाती है एंड कट्स अ कोर्स थ्रू अ सक्सेशन ऑफ ग्रेट नैरो गॉर्जेस बिटवीन द माउंटेनियस मासिव्स ऑफ ग्यालापेरी एंड नामचा बारवा इन अ सीरीज ऑफ रैपिड्स एंड कॉस्केड्स। देयर आफ्टर द रिवर टर्न्स साउथ एंड साउथ वेस्ट दक्षिण और दक्षिण पश्चिम की तरफ टर्न होती है एंड फ्लोज थ्रू अ डीप गॉर्ज द यारलुंग सांगपो ग्रैंड कैनियन अक्रॉस द ईस्टर्न एक्सट्रीमिटी ऑफ द हिमालयाज
विथ कैनियन वॉल्स दैट एक्सटेंड अपवर्ड फॉर 5,000 मीटर मीन्स 16,000 फीट एंड मोर ऑन ईच साइड। यहाँ तक तो ठीक है, आगे देखिए, ड्यूरिंग दैट स्ट्रेच द रिवर एंटर्स नॉर्दर्न अरुणाचल प्रदेश स्टेट इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। उत्तर पूर्व की तरफ भारत में यह नदी अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है। वेयर इट इज नोन एज द दिहांग और सियांग रिवर एंड टर्न्स मोर साउदर्ली। जहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में इस नदी को दिहांग या फिर सियांग, इन दोनों नामों से पहचाना जाता है। उसके बाद में भी ये जो है असम एंड एडजॉइनिंग रीजन है, मतलब द यारलुंग सांगपो, मतलब ये वही नदी का नाम है यारलुंग सांगपो, ब्रह्मपुत्र नदी। इंटर द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश इन इंडिया, तो आपको प्रश्न का उत्तर फिर से एक बार यहाँ पे क्लियर हो गया है। वेयर इट इज कॉल्ड सियांग, इट मेक्स अ वेरी रैपिड डिसेंट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल हाइट इन तिबेट एंड फाइनली अपियर्स इन द प्लेन्स वेयर इट इज कॉल्ड दिहांग। एंड फिर उसके बाद फिर लिखा है कि दिबांग रिवर, ये वो सब होता है, हम इसको और पढ़ ले कि इट फ्लोज फॉर अबाउट 35 किलोमीटर मीन्स 22 मीटर साउथवर्ड, आफ्टर विच इट इज जॉइंड बाय द दिबांग रिवर। उसके बाद में कुछ 35 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद ये दिबांग नदी को जुड़ती है एंड द लोहित रिवर एट द हेड ऑफ द असम वैली, और असम वैली की तरफ जाती है। और उसके बाद में फिर बिलो द लोहित द रिवर इज कॉल्ड ब्रह्मपुत्र, उसके बाद इस नदी को ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। एंड दोईमा मदर ऑफ वाटर एंड बुरलुंग बुदर बाय नेटिव बोडो ट्राइबल्स इफ देन enters the state of Assam and becomes very wide। आसाम में एंटर करने के बाद और चौड़ी हो जाती है नदी, as wide as 20 किलोमीटर मतलब 20 किलोमीटर तक इन parts of Assam, आसाम के विभिन्न भागों में। और फिर लास्ट में ये जो नदी है, अगर आप आगे आगे और जाएंगे तो आपको ये दिखेगा कि यही नदी फिर बाद में जो है बांग्लादेश की तरफ जाती है और बांग्लादेश में इसका डिस्चार्ज होता है। ये देखिए बाद में बांग्लादेश के बारे में भी जानकारी दी है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आपको अभी इस प्रश्न का सही उत्तर भी पता चल गया होगा। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। आपको टाइप करना है KBC, स्पेस देना है, उसके बाद में सी आंसर टाइप करना है, स्पेस देना है, उसके बाद में आपको आपका जो आपकी जो एज है वो एज टाइप करनी है, जितनी 1 मई 2020 को कंप्लीट एज है, स्पेस देना है, उसके बाद में जेंडर टाइप करना है, मेल होंगे तो एम, फीमेल होंगे तो एफ, और अन्य मीन्स अदर्स होंगे तो ओ, और इसे भेज देना है 59093 इस नंबर पर। दोस्तों ये पूरी डिटेल्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। अगर आप रजिस्टर होना चाहते हैं सोनी लिव ऐप पर, तो सोनी लिव ऐप पर रजिस्ट्रेशन कैसे करना वह भी जानकारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और वहाँ से भी आप ये जो आंसर है वो दे सकते हैं सोनी लिव ऐप से भी। और दोस्तों इस प्रश्न का जो उत्तर है वो आपको आज 15 मई को ये सवाल पूछा गया, तो कल 16 मई 2020 को रात 8:59:59 तक ये आंसर का, ये जो सवाल का आंसर है वो आप दे सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप इस प्रश्न का उत्तर देंगे, और अगर आपका सिलेक्शन हो जाए तो बढ़िया ही है, और अगर आपने इसके पहले के प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया है तो भी आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बावजूद भी सिलेक्शन नहीं होगा ऐसी कोई चीज़ नहीं है। अगर आपकी किस्मत होगी, रैंडमली सिलेक्शन अगर होता है तो आप सिलेक्ट हो सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा अगर आपने अब तक यह नहीं किया है तो, और जो है साथ में बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा, क्योंकि आप तक हमारे जो अपडेट्स हैं वो बिल्कुल तुरंत में पहुंचने चाहिए, हमारे वीडियो अपलोड करने के तुरंत बाद में। तो धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो पूरी देखने के लिए, हम जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।